हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी। तो इससे पहले जो मेरा वीडियो था, जैसा कि मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि मेरे अब जो वीडियो आएंगे वो दो तरह के वीडियो आएंगे। पहला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को जो भी ऐसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के ऐसे एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस टाइप के कंटेंट को लेकर वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड सेकेंड वीडियोज़ जो रहेगा मेरा, सेकेंड जो टाइप का वीडियो रहेगा उसमें जिन्होंने एग्रीकल्चर को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है उसके लिए, तो उनका जो सिलेबस है, तो बहुत स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि मैं सिलेबस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अब प्रॉपरली सिलेबस वाइज जल्द से जल्द 2 to 3 months या 1 to 2 months में आपका जो सिलेबस है उसको कवर कराने की कोशिश करूँगी। तो मैं आज का वीडियो जो है पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चीज़ है इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। तो इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोडायवर्सिटी, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जाएगा। तो आज हम जो फुल स्टडी करेंगे वो बायोडायवर्सिटी के ऊपर करेंगे, और इकोलॉजी से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली उससे रिलेटेड भी जो टॉपिक है मैं आगे जो वीडियो रहेगा नेक्स्ट वीडियो उसमें लाऊँगी। तो आपका जो सिलेबस वाइज चीज़ें हैं वो कम्प्लीट होते चले जाएंगी और साथ ही साथ आपके जो पेपर हैं वो भी सॉल्व होते चले जाएंगे। सो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आप बीच से देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, और जो भी कमी रहेगी आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज हमारा जो मेन चीज़ है कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो है कि सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है, इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स होते हैं बायोडायवर्सिटी के हम वो देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं बायोडायवर्सिटी के जिसमें कि अल्फ़ा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी एंड गामा डायवर्सिटी, एंड देन यूजेस क्या हैं बायोडायवर्सिटी के, एंड रिच क्यों है ट्रॉपिक एरिया में बायोडायवर्सिटी, एंड इम्पॉर्टेंस एंड उसका कुछ सिग्निफिकेंस जो रहता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी, ठीक है, मेरे बोलने के वैसे ही आप समझ जाइए। बायो, बायो मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग्स, एंड डायवर्सिटी इट मींस वेरिएशन, विभिन्नता, विविधता। ठीक, तो जब लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपके आसपास सराउंडेड इकोसिस्टम है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच वेरिएशन पाया जाएगा, ये वेरिएशन विद इन द स्पीसीज भी हो सकता है और बिटवीन द स्पीसीज भी हो सकता है और जीनस भी हो सकता है। तो ऐसा जो वेरिएशन है उसको हम क्या टर्म देंगे, बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे हम वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो वेरिएबिलिटी है, विविधता है, वो बायोडायवर्सिटी है, लाइफ प्लस वेरिएशन, सिंपल वर्ड। देन वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ जीनस, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम बिटवीन और विद इन, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर आपको। देन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इन एन इकोसिस्टम, तो मतलब यही है कि यहाँ पर इतने डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म हैं एंड उसकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि इकोसिस्टम में है, ये जो है ये बायोडायवर्सिटी है, क्योंकि इतनी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी जो विभिन्नताएं हैं उसकी जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि उस पर्टिकुलर हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें अवेलेबल है, ये कहलाती है बायोडायवर्सिटी। देन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, एंड ये टर्म जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपके एग्ज़ाम के लिए कि टर्म आपको बताना है कि किसने कोनाइन किया है। तो ये टर्म कोनाइन किया है वॉल्टर रोसेन ने 1985 में। तो बायोडायवर्सिटी टर्म कोनाइन बाय वॉल्टर रोसेन 1985। तो इतनी चीज़ अगर आप लिख देंगे इसको कि क्या होती है बायोडायवर्सिटी, आई थिंक ये इनफ है। देन व्हाट इज़ द बायोडायवर्सिटी, इसके अंतर्गत समथिंग कुछ और भी हैं, जैसे कि अबाउट 50 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, एंड अमॉन्ग दैट ओनली 2 मिलियन आर आइडेंटिफाई सो फॉर, अभी तक केवल 2 मिलियन ही आइडेंटिफाई हुए हैं और 50 मिलियन जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी ऑल्सो इंक्लूड वेरिएबिलिटी ऑफ जीन्स,
जीन्स में जो वेरिएबिलिटी है, आप समझ रहे हैं, डीएनए में भी वेरिएबिलिटी है, आपके जीन लेवल पे भी वेरिएबिलिटी है, वेराइटीज़ डिफ़र होती है एक दूसरे से, स्पीसीज डिफ़र होती है एक दूसरे से, पॉपुलेशन इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उसमें जो पॉपुलेशन रहती है वो आपस में अलग होती हैं, उनमें वेरिएशन होता है, एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द स्पीसीज। ठीक, तो ये जो है बायोडायवर्सिटी में आती हैं ये चीज़ें। देन नॉलेज ऑफ द बायोडायवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ वी नो एग्जिस्टिंग बायोडायवर्सिटी ऑफ अवर इकोसिस्टम, तो उससे क्या होगा कि हम हमारे आसपास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका हम सस्टेनेबल, इट मीन्स टिकाऊ रूप से यूज़ कर पाएंगे। अगर हमको सही रूप से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी है वो कितनी फ्रिक्वेंसी में एग्जिस्ट कर रही है या वो लुप्त होने के कगार पे है वो डायवर्सिटी, तो हम क्या कर पाएंगे, हम उस जो रिसोर्सेज हैं उसका सही वे में, प्रॉपर वे में एंड सस्टेनेबल वे में यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बायोडायवर्सिटी जानना इम्पॉर्टेंट है। सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड क्या नरिशमेंट, क्लॉथिंग एंड हाउस, फ्यूल, मेडिसिन एंड रेवेन्यू। तो ये चीज़ें दिया, मतलब हमको बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या बायोडायवर्सिटी जो है उससे ये चीज़ें हमको मिलती हैं। देन लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो क्या क्या लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी उसके 3 लेवल्स हैं, जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीसीज डायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, और इसको कम्युनिटी और मतलब कम्युनिटी डायवर्सिटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जेनेटिक डायवर्सिटी क्या होता है, तो सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में यहाँ पर आप देखिए जेनेटिक वेरिएशंस जब रहेंगे, सिंपल सी बात है, जो भी ये जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है विद इन द स्पीसीज रहें, और यह हो सकता है कि बोथ एमोंग इंडिविजुअल विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, एक सिंगल पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच रहेंगे या किसी स्पीसीज के बीच रहेंगे, और हो सकता है कि जो ये डाइवर्सिटी है ये जेनेटिक रूप से किसमें होगी, जो सेपरेटेड पॉपुलेशन है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में उनके बीच होगी, बट ये जेनेटिक वेरिएशन होगा, तो इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर रखते हैं। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी में, जब बायोडायवर्सिटी कवर द फुल रेंज ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, जितने भी स्पीसीज है अर्थ में जब उसको कवर करती है डाइवर्सिटी, तो ये आती है आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी में। देन इंक्लूड ऑल द स्पीसीज, माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया टू एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी ये इंक्लूडेड करती है वेरिएशन इन द जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़, जो भी आपके जियोग्राफिकल कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच का जो वेरिएशन है इसमें आता है। ये इंक्लूडेड करती है वेरिएशन इन द कम्युनिटी इन विच द स्पीसीज लाइव, जिसमें हम जी रहे हैं उस कम्युनिटी में जो वेरिएशन है, हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उसमें जो आपस में वेरिएशन है, विभिन्नताएँ हैं, वो इसमें आता है। एंड द इकोसिस्टम इन विच द कम्युनिटी एग्जिस्ट, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर वो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, पहली चीज़ तो हम जिस कम्युनिटी से एग्जिस्ट कर रहे हैं या जो भी स्पीसीज है वो जिस कम्युनिटी से स्पीस कर रहा है उस कम्युनिटी के बीच वेरिएशन, सेकेंड थिंग वो कम्युनिटी जिस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है उस इकोसिस्टम में जो भी वेरिएशंस है वो, एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपाउंड्स, जितने भी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड्स हैं, दैट एबायोटिक इट मीन्स फिजिकल जितने भी कंपाउंड्स हैं, एबायोटिक मतलब जो भी लिविंग कंपाउंड्स हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन है वो भी डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी जो भी इस टाइप की जो डाइवर्सिटी रहेगी वो इंक्लूड होती है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी में। देन द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो जब जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट मींस एलील ऑफ सिंगल जीन, एक जीन के, जानते हैं आप जैसा कि जो एलील्स रहते हैं, ये जो भी एलील्स हैं किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। ठीक है,
तो एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है बेसिकली। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी रहती है वो एक सिंगल जीन के एलील्स होते हैं उसमें जब वेरिएशन रहता है तो वो क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में आएगा। देन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा डिफरेंस इन अ मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बिहेवियर। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एनाटॉमी में उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में उनके बिहेवियर्स में जो डिफरेंस रहेंगे ये इस डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। देन पॉपुलेशन डाइवर्सिटी में क्वांटिटेटिव इकोलॉजी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एजेक्ट्रा आएगा इसमें, जिसको हम गिन सकते हैं ऐसे क्वांटिटेटिव जो फ्रीक्वेंसी जैसे इकोलॉजी है जैसे कि फ्रीक्वेंसी है डेंसिटी है ये सब चीज़ें। स्पीसीज में स्पीसीज नंबर इन डिफरेंट जेनेरास। कम्युनिटी में डाइवर्सिटी इन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो कि इससे पहले आपने देखा। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर रहते हैं वो आपस में किस तरह इंटरडिपेंडेंस रहते हैं इसके बीच जो वेरिएशन है ये इसके अंतर्गत आता है। लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्पीसीज कंपोजिशन इन डिफरेंट लैंडस्केप। देन बायोजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है डाइवर्सिटी इन द जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल हिस्ट्री। देन कैसे मेजर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को एट सिंपलेस्ट लेवल बायोडाइवर्सिटी इज द स्पीसीज रिचनेस। कितनी मात्रा में उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रिचनेस है स्पीसीज की वो उसकी डाइवर्सिटी है। मोर नंबर ऑफ स्पीसीज मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटी। ओके वेरियस लेवल ऑफ मेजरिंग द डाइवर्सिटी आर अल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। सो अल्फा डाइवर्सिटी को कैसे हम यूज़ करते हैं इट रिफर्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ सिंगल कम्युनिटी। आपका कोई सिंगल कम्युनिटी है दैट इज़ कम्युनिटी वन कम्युनिटी टू उसके जो उसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगे उसको आप अल्फा डाइवर्सिटी के अंतर्गत रखेंगे। इट इज़ बेटर कॉल्ड एज स्पीसीज रिचनेस। इसको हम ज़्यादा अच्छा होगा कि स्पीसीज रिचनेस बोल सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगे उतने आप रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। एंड यूज टू कंपेयर नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ डिफरेंट कम्युनिटीज। जैसे यहाँ पर देखिए मोर नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर लेस नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी इट इज़ लेस रिच इन बायोडाइवर्सिटी। देन अनदर वन इज बीटा डाइवर्सिटी जो होता है ये क्या है जो एक चेंज जो स्पीसीज कंपोजिशन होती है उसमें चेंज होता है। ये चेंज अलोंग विथ क्या इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के अलोंग होता है चेंजेस। तो इसकी जो डिग्री रहती है उसको हम बीटा डाइवर्सिटी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। सो बीटा डाइवर्सिटी तब हाई होगी अगर जो स्पीसीज कंपोजिशन है मॉस कम्युनिटी का वो क्या होगा सक्सेसिवली चेंज होगा एट अ हायर एलिवेशन ऑन अ माउंटेन स्लोप में। सो बीटा डाइवर्सिटी इज लो इफ़ सेम स्पीसीज ऑफ मॉस ऑक्यूपाई द होल माउंटेन साइड। सो यहाँ पर हाई डाइवर्सिटी है देख सकते हैं माउंटेन स्लोप में है और ये और यहाँ पर जो है लो बीटा डाइवर्सिटी है ठीक क्योंकि ये क्या हो रहा है लो होगा क्योंकि यदि सेम स्पीसीज ऑफ मॉस ऑक्यूपाई होगा होल माउंटेन सेम स्पीसीज है यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज हैं ठीक। देन गामा डाइवर्सिटी गामा में क्या होता है द गामा डाइवर्सिटी अप्लाई टू लार्ज जियोग्राफिकल स्केल ठीक द रेट एट विच एडिशनल स्पीसीज आर इनकाउंटरेटेड एज जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट विद इन अ हैबिटेट टाइप इन अ डिफरेंट लोकेलिटीज। सो गामा डाइवर्सिटी इज अ स्पीसीज टर्नओवर रेट विद डिस्टेंस बिटवीन साइट ऑफ सिमिलर हैबिट्स और विथ एक्सपेंडिंग जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पर डायग्राम देखिए डाइवर्सिटी जो है जो कि एरिया वन टू एंड थ्री में है स्पीसीज डाइवर्सिटी देखिए एरिया वन में किस तरह से है तो यहाँ पर यह है कि जो रेट है जिसमें कि जो एडिशनल स्पीसीज है वो इनकाउंटरेटेड होती है एज अ जियोग्राफिकल रिप्लेसमेंट विद इन अ हैबिटेट टाइप इन अ डिफरेंट लोकेलिटीज। तो गामा डाइवर्सिटी इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में इस तरह से आपको दिखाई देगी। यूजेस क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी जो है बिसाइड्स इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड अ सोशो इकोनॉमिक एसेस टू द नेशन। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है एक सोशियो इकोनॉमिक एसेस ठीक। यूजेस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज प्रोडक्टिव यूजेस कंजप्टिव यूजेस एंड
इनडायरेक्ट यूजेस। प्रोडक्टिव में क्या है कि प्रोडक्ट्स कमर्शियली हार्वेस्टेड फॉर एक्सचेंज इन द मार्केट। दिस वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न विद नेशनल इनकम। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फ्यूल, टिम्बर, फिश, फॉडर, फ्रूट, सीरियल, मेडिसिन, प्लांट्स। एंड इन इंडिया इनकम फॉर बायोडाइवर्सिटी इज नियरली 30%, दैट इज। देन जो कंजप्टिव यूजेस हैं, डील विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम डायरेक्टली। ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हनी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। दे आर गुड विच डू नॉट कम अंडर नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ट्रेड। देन एग्जाम्पल, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हनी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। इनडायरेक्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट, दिस वैल्यू इज रिलेटेड प्राइमरली विद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। एंड बायोडाइवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। और इसके अलावा कॉन्स्टेंसी ऑफ क्लाइमेटिक फीचर्स एंड सॉइल मेंटेनेंस के लिए। देन वाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक एरियाज। क्यों रिच है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, इट इज़ फेवरेबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। तो बेसिकली पहला चीज़ तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एंड सेकेंड, हैव मोर स्टेबल क्लाइमेट दैन टेम्परेट। टेम्परेट में क्लाइमेट इतना स्टेबल नहीं रहता। ट्रॉपिकल कम्युनिटीज आर ओल्डर दैन द टेम्परेट कम्युनिटीज एंड दस ट्रॉपिकल कम्युनिटीज गोट मोर टाइम टू इवॉल्व, दस दे हैव मोर स्पेशलाइजेशन फॉर एडॉप्टेशन। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की। वाई बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन ट्रॉपिक्स, उसी का कंटिन्यू फॉर्म है। इन ट्रॉपिक देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम पेस्ट, पैरासाइट्स एंड डिसीज। दिस डज नॉट अलाउ अ सिंगल स्पीसीज टू प्रीडोमिनेंट। देन ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी ओवर देन ईयर देन टेम्परेचर सॉरी देन टेम्परेट। यहाँ पर ज़्यादा सोलर एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज में। एंड दस ट्रॉपिकल कम्युनिटीज आर मोर प्रोडक्टिव एंड द ट्रॉपिकल सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड दिस सॉइल सपोर्ट अ वाइडर रेंज ऑफ स्पीसीज। तो एक एक चीज़ें दूसरे से कोरिलेट कर रही है। जैसा आप यहाँ पर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी। वट आर द इम्पॉर्टेंस? इम्पॉर्टेंस है कि बायोडाइवर्सिटी इंडिकेट वेरिएशन ऑफ लाइफ, that is species, ecosystem and your biome. Biodiversity indicate the health of ecosystem. इकोसिस्टम का हेल्थ को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी है मतलब आपका एक गुड इकोसिस्टम बना हुआ है। बट अगर आपकी डाइवर्सिटी लुप्त होने लगी है, दैट मीन्स आप नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन बायोडाइवर्सिटी इज इन अ पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइमेट। बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिव सर्विसेज लाइक एयर क्वालिटी एंड प्योरिटी, क्लाइमेट एंड सीजन, वाटर प्योरिफिकेशन, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल, प्रिवेंशन ऑफ द इरोजन। तो ये जो है ये हमको किससे मिलेगी? जब बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा कुछ नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। सम स्पिरिचुअल्स वैल्यू रहते हैं एंड एस्थेटिक वैल्यूज एंड देन एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम भी रहता है। ठीक, एग्रीकल्चर रिकवरी व्हेन डोमिनेंट कल्टीवर इज अटैक्ड बाय डिसीज एंड पेस्ट। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ जर्म प्लाज्म। हमारे जो जर्म प्लाज्म का स्टोर हाउस के रूप में भी वर्क करता है। 80% ऑफ ह्यूमन फूड सप्लाई कम फ्रॉम द 20 काइंड ऑफ प्लांट, बट ह्यूमन यूज एटलीस्ट 40,000 स्पीसीज। देन दे आर मोर प्लांट्स प्रोडक्ट्स टू बी डिस्कवर फ्रॉम द डाइवर्सिटी। देन बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट इन ड्रग इन डिस्कवरी and most of the drugs are derived and directly or indirectly from the biological resources. 50% of drug used in USA are derived from the biodiversity. 80% of world population depend on medicine from the nature. Many industrial material are derived from biological sources and this include building material, fiber, dye, rubber and oil. प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर, टिम्बर, पेपर, फाइबर और फूड। तो इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फूड, फाइबर, टिम्बर हो, सबके लिए बायोडाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। देन
बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट सम लीजर एक्टिविटीज़ जैसे कि बर्ड वॉचिंग, ट्रकिंग. बायोडाइवर्सिटी इंस्पायर म्यूजिशियन, पेंटर एंड राइटर. गार्डनिंग, फिशिंग, स्पेसिमेन कलेक्टिंग डिपेंड ऑन द बायोडाइवर्सिटी. वेरिएशन है तभी तो आप स्पेसिमेन कलेक्ट कर पाएंगे, गार्डनिंग कर पाएंगे एंड अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर पाएंगे. बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर नॉट रेडली विजिबल. रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ अवर एटमोसफियर एंड वाटर सप्लाई एंड हेल्प इन वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल. सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है. तो ये जो टॉपिक था ये आपका जो पेपर वन है जो कि जिसमें कि इकोलॉजी एक आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर का ये एक पार्ट है. एंड इससे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सिलेबस वाइज आपका लाऊंगी. सो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.